नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। आज हम बात करते हैं जिला बिजनौर के धामपुर की, जहां गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी के विचारों को अपनाते हुए 32 यूपी एनसीसी बटालियन धामपुर के कमान अधिकारी कर्नल गणेश उपाध्याय एवं प्राचार्य प्रोफेसर राकेश कुमार के निर्देशन में आरएसएम महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स द्वारा मेजर डॉक्टर राजेश सिंह चौहान के नेतृत्व में आरएसएम तिराहे पर स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा की मूर्ति स्थल के सफाई अभियान के अंतर्गत मूर्ति स्थल के चारों तरफ तथा महाराणा प्रताप की प्रतिमा की साफ सफाई की गई। साथ ही मेजर डॉक्टर राजेश सिंह चौहान द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया एवं एनसीसी कैडेट्स द्वारा शहीद नौसेना अभियंता वीर शरद कुमार चौहान की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर आशीष, डॉक्टर जी के तिवारी, डॉक्टर आकाश सहित अंडर अफसर दीपेंद्र कुमार, नमन प्रताप, कैडेट दानिश, योगेश, सुचित्रा, हिमानी, अनुश्री, रामपाल, रोहित, अंजलि, विशाल आदि का सहयोग रहा। इस दौरान मेजर डॉक्टर राजेश सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया, ये जो आज सभी को मालूम है कि आज हम 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, हमारे एनसीसी महानिदेशालय द्वारा और हमारे 32 यूपी एनसीसी बटालियन धामपुर के कमान अधिकारी कर्नल गणेश उपाध्याय के निर्देशानुसार आज 2 अक्टूबर को एनसीसी कैडेट द्वारा महाविद्यालय में सफाई तथा राष्ट्रीय ऐतिहासिक धर जो स्थल हैं उन पर सफाई अभियान के अंतर्गत स्वच्छता और सफाई कार्यक्रम था, जिसमें मैंने प्रत्येक वर्ष महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप मूर्ति की सफाई और उनके स्थल की सफाई कराता, उसी के अभियान के अंतर्गत ये सफाई अभियान आज विभिन्न एनसीसी कैडेटों द्वारा वहाँ पर चलाया गया। आज जो हमारे आज 2 अक्टूबर है, जिसमें कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी की जन्म अवसर पर जो जयंती मनाए जा रहे हैं उसमें देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं, उसी में हमारे यहाँ भी कार्यक्रम चला और ये कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने के लिए, समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए तथा एनसीसी में जो कैडेट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और समाज में, वो भी समाज में जाकर के संदेश दें कि जो गांधी जी की विचारधारा थी कि भयमुक्त समाज हो, स्वच्छता हो, सफाई हो और जो भारत है वो समृद्धि के साथ आगे बढ़े, और ये तभी संभव है जब इस लोकतंत्र आत्मक देश में सभी को एक जैसे अवसर, एक समान अवसर प्राप्त हों, और इसी के लिए सबको सम्मान, सबको समान अवसर मिलेंगे और देश उसी तरह से जब प्रत्येक नागरिक आगे बढ़ेगा, प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य के बारे में समझेगा तभी वो अधिकारियों की बात करेगा। और जो बच्चे आज कैडेट्स आए हैं इनमें मैंने देखा अपने मन से ही सभी काम करते रहे, हमारे यहाँ करीब 69 कैडेट्स की स्ट्रेंथ है, इसमें करीब 15 से 20 कैडेट्स आज उपलब्ध हुए जो अपने ही आप प्रेरणा, जबकि ज़्यादातर दशहरे के अवकाश में छात्र जो कॉलेज हैं बंद हैं, लेकिन फिर भी ये बच्चों ने उसी के तहत कि हमें ये काम करना है, समाज में जागरूकता फैलानी है और यही संदेश देना है कि समाज को जागृत कैसे करें, तभी हमारा देश विश्वगुरु बन सकता है, जब हम आगे जा करके इन चीज़ों के जो हमारे गांधी जी थे, जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, गांधी जी के जिनके अहिंसात्मक जिनके उस पर पूरा विश्व चल रहा है और आज विश्व अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, तो ऐसे प्रेरणा स्रोत के आदर्शों को लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से विश्व गुरु बनने की श्रेणी में हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरी मानना है। उधर आरएसएम महाविद्यालय में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर डॉक्टर बी के सिंह ने की। सर्वप्रथम ध्वजारोहण किया गया, उसके बाद गांधी जी व लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर विनय दुआ ने किया। इस दौरान डॉक्टर भावना वत्सल, डॉक्टर राधा रानी, डॉक्टर गोपाल कृष्ण तिवारी, डॉक्टर आकाश, डॉक्टर आशीष, सुभाष देवरा, परम सिंह, टिकेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।